Ladies and gentlemen, welcome to 60s. बॉलीवुड की एक और मच अवेटेड फिल्म सर्कस का टीजर आ चुका है और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। फिल्म में कास्ट कौन कौन होने वाला है, फिल्म का बजट कितना रखा गया है, फिल्म की रिलीज डेट क्या है और ट्रेलर कब आ रहा है, सो कंप्लीट डिटेल आपको फिल्म में देने वाला हूं। उससे पहले दोस्तों मेरी आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दो यार, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे ही फिल्मों के अपडेट लाते रहते हैं। खैर, फिल्म का नाम सर्कस है जिसमें आपको कॉमेडी और ड्रामा देखने को मिलने वाला है। बात करते हैं फिल्म की स्टोरी लाइन की। फिल्म की कहानी में एक सर्कस चलाने वाले और बड़ी सर्कस कंपनी से जुड़े उसके दोस्तों की है, जो अपने जीवन में मेहनत और संघर्ष करते हैं और विलुप्त सर्कस संस्कृति को वापस लोगों के सामने लाने की कोशिश करते हैं। इसके अलावा फिल्म में दो जुड़वा बच्चे भी दिखाए जाते हैं, जो कि जन्म के समय दोनों अलग हो जाते हैं लेकिन बाद में वो बड़े होने के बाद वापस मिल जाते हैं। बात करते हैं फिल्म के कास्ट की। तो फिल्म में आपको नजर आने वाला है रणवीर सिंह, दीपिका पादुकोण, अजय देवगन, पूजा हेगड़े, जैकलीन, वरुण शर्मा और जॉनी लीवर के साथ और भी बड़े एक्टर। खैर, मैं आपको बता दूं इसमें रणवीर सिंह डबल रोल में नजर आने वाले हैं। जैसा कि मैंने फिल्म की स्टोरी में बताया, फिल्म में जन्म के समय एक बच्चा खो जाता है जो कि बाद में बड़े होने के बाद मिलता है, वो रणवीर सिंह ही होता है। खैर, बात करते भाई फिल्म का बजट कितना रखा गया है? तो फिल्म का बजट रखा गया है लगभग 100 करोड़ के आसपास। वहीं बात करें ट्रेलर कब आने वाला है, तो इसका ट्रेलर आप लोगों को 2 दिसंबर को देखने को मिलेगा। वहीं इस फिल्म को 23 दिसंबर को थिएटर के अंदर रिलीज किया जाएगा। खैर, बात करते हैं टीजर के रिव्यू की। तो टीजर में ज्यादा कुछ नहीं दिखाया गया, ये लोग खाली फिल्म की स्टोरी बता दें। ये जो फिल्म की स्टोरी होने वाली है ये 1960 के आसपास की होने वाली है। उस समय की दुनिया कैसी थी, मोबाइल वगैरह नहीं थे तो लोग कैसे इंजॉय करते थे, साथ ही पुराने टाइम में सर्कस भी कितना ज्यादा चलते थे। यही सब बातें टीजर में बताई गई है। इसके अलावा फिल्म की और ट्रेलर की रिलीज डेट भी बताई गई है।